हाय गाइस, दिस इज सोनू। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मी टीवी में जो वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। सो, अगर आप भी मी टीवी यूज करते हो, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें अपनी टीवी की सेटिंग्स में जाना है एंड देन डिवाइस प्रेफरेंसेस। नीचे जाना है गाइज, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शन के नाम से, तो इसे हमें ओपन करना है गाइज। तो ये देख सकते हो सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शन, इसे ओपन कर लेना और इसमें अननोन सोर्सेज जो भी आता है, आपने जितने भी परमिशन दे रखे हैं इसे ओपन करके, और एप्टॉइड टीवी जितने भी परमिशन आपने दे रखे हैं जितनी भी एप्लीकेशन को, उसे आपको ऑफ कर देना है। तो देख सकते हो एप्टॉइड टीवी अलाउड है, FX फाइल मैनेजर, अगर आपका बाद इन फ्यूचर काम पड़ता है तो देन आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए देन इसे आप ऑफ कर देना। इस सेटिंग्स को करने के बाद सिंपली आपको ऊपर आ जाना है और ऊपर जो डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन मिलता है इसमें गाइज आपको क्या करना है, इसे ओपन करके अगर आपने इसे ऑटोमेटिक वाले को ऑफ कर रखा है उसे आपको ऑन कर लेना है, मींस ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट कर रखा है तो आपको ऑफ करके देन ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करना है। और गाइज, ये प्रॉब्लम कभी कभी हमारे स्मार्टफोन के साथ भी होता है कि हॉटस्पॉट सही तरीके से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता किसी भी स्मार्टफोन में या आपकी टीवी में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट ही सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अपने सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हो। जहाँ से आप टीवी फ़ोन को रीसेट करोगे वहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन मिलता है रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। और गाइज, अगर आपने भी पेन ड्राइव या कोई भी रिसीवर लगा रखा है, माउस रिसीवर जो वायरलेस होता है, तो उसे आप निकाल सकते हो कुछ टाइम के लिए, देन आप प्लग इन कर लेना जब भी आपको ज़रूरत हो, जैसे ही कनेक्ट हो जाता है अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और गाइज, एक और सेटिंग्स है जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो वर्क नहीं करता, सिंपली कनेक्ट हो जाता है लेकिन नो इंटरनेट लिखता रहता है यहाँ पे, जैसे रियलमी कनेक्टेड है इसके आगे नो इंटरनेट वाला इशू रहता है। इनकेस बहुत सारी टीवी में शायद वर्क कर जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए अपने वाईफाई वाले सेक्शन में जाना, उसमें एक आईपी सेटिंग्स मिलती है, उसमें DHCP से आपको चेंज करके स्टैटिक पे कर देना है। तो स्टैटिक पे कर दोगे तो आपकी टीवी में इंटरनेट तो नहीं चलेगा लेकिन कनेक्ट हो जाएगा। इनकेस मुझे लगता है कुछ टीवी में चल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता तो मेरे टीवी मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं चलता। मेरे टीवी में जो प्रॉब्लम थी वो हॉटस्पॉट से रिलेटेड था। तो आप कंटिन्यू अपनी टीवी को रिस्टार्ट करते रहो, हफ्ते में दो हफ्ते में ये प्रॉब्लम आती रहती है। और जो अननोन सोर्सेज वाला बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ट्राई करो, तीनों मेथड को ट्राई करो, मुझे लगता है 100% वर्क कर जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।